गाइस, तो आज हम बना रहे हैं पूड़ो के लिए आटा घोल, जिसमें हमने गुड़ को घोल लिया है और उसमें आटा है और दही है। तो उसे हम अच्छे से फेंटेंगे और फिर हम इसके चूल्हे पर बनाएंगे पूड़े। गुलगुले बोलते हैं जिसे, पंजाबी में बोलते हैं गुलगुले। तो इसके आटे को हम इस तरीके से घोल लेते हैं। इसमें डाला है मैंने गुड़, आटा और दही। तो अब इसे अच्छे से हम घोल लेते हैं, देख सकते हो। हाय गाइस, तो आज हम चूल्हे पर बनाएंगे मीठे पूड़े, जिसे गुलगुले भी बोलते हैं। तो अब मैं चूल्हे में जला लेती हूँ आग, उसके बाद हम बनाते हैं पूड़े। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ही मज़ा आएगा वीडियो में। तो मैं आपको सिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि हम मीठे पूड़े किस तरीके से बनाते हैं चूल्हे पर। तो आग जला लेते हैं मम्मी, उसमें आग है। तो गाइस, आग जल गई है। तो हम चूल्हे पर रख देते हैं कढ़ाई, और उसे पहले उसका जो पानी है डोई थे अभी उसे जलने देते हैं। उसके बाद डालते हैं हम तेल और फिर बनाते हैं मीठे टेस्टी टेस्टी पूड़े। तो हमने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, तेल का गर्म होने तक का इंतजार करते हैं, फिर हम बनाते हैं पूड़े। चल तो गाइस, ये हमने आटे का घोल बना रखा है, जिसमें हमने दही डाला है, गुड़ का पानी डाला है और नारियल का बुरादा डाला है और थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाला है। तो इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। बनाने से एक दो घंटे पहले हम घोल के रख देते हैं, तो जो हमारे गुलगुले पूड़े हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो अब हम बनाते हैं, कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है, तो देखते हैं। हम बस इतना ज्यादा काले मत कर, भूरे भूरे से रहने जी जी प्लेट देना है। तो गाइस, देख सकते हो हमारे जो गुलगुले हैं पूड़े हैं वे इस तरीके से बन रहे हैं। मैं दिखाती हूँ, जो दो चार बन चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं खाने में अगर हम अच्छे से आटा बना लेते हैं। इसका जो घोल होता है और जब बारिश होती है। तो गाइस, हमने जो ये बना लिए हैं पूड़े, तो ये बन भी चुके हैं, आप देख सकते हो। पोज पास में से दिखाइए, इधर दिखाइए वाले जो ऊपर है। तब देख सकते हो कि कितने अच्छे हमारे जो पूड़े हैं बन चुके हैं। आ जाओ जिसे खाने हैं।